आज मैं बनाने वाली हूँ देसी सूरन की बहुत ही शानदार और टेस्टी सब्जी, जो कच्चे मसाले से ना हम बना करके इसको तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सूरन को ना हमने फिटकरी डाल करके पानी में इसको 2-3 सीटी आने तक बॉयल कर लिया है। अच्छे से देखिए सूरन पक गया है, तो हमने इसको काटा नहीं है पहले। आप चाहें ना तो इसको छोटा छोटा टुकड़ा भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, हाथ में थोड़ी सी खुजली होने लगती है, तो उसमें हाथों में थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लें, तभी आप इस सूरन को काटें, क्योंकि देसी सूरन है फ्रेंड्स। तो ये थोड़ा सा ना ये हाथों में ना लगता है, यानी कि काटता है। यहाँ पे देखिए सूरन को अच्छे तरीके से हमने छील लिया है, और इसको क्या करेंगे कि पनीर के टुकड़ों की तरह हम इसका पीसेस काट लेंगे। और देखिए कितना बढ़िया उबाल करके हमने इसको तैयार किया है। तो इसको देखिए छोटा, जितना छोटा बड़ा पीसेस चाहें उतना छोटा बड़ा इसका पीस काट लें। तो यहाँ पे देखिए हमने कट कर लिया है, तो इसी तरह से बाकी सूरन काट करके तैयार कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है फ्रेंड्स, और ना जो आप बाज़ार से जो आप सूरन लेके आते हैं तो उससे भी अच्छा इसका टेस्ट आता है, और काफ़ी फायदेमंद भी होता है सूरन। यहाँ पे देखिए सूरन को हमने काट लिया है, सारा सूरन रेडी है। यहाँ पे हमने कच्चा मसाला तैयार किया है, सरसों, लहसुन और हरी मिर्च, और थोड़ा सा हमने प्याज भी इस्तेमाल किया है इसमें मसाले में। तो एक बड़ा साइज का हमने प्याज डाला है इसमें, और इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। यहाँ पे थोड़े से मसाले और ऐड कर देती हूँ, जैसे कि हल्दी पाउडर। यहाँ पे घर का जो है गरम मसाला हमने यूज किया है, जिसमें धनिया वगैरह सब कुछ है। यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, और जो बाज़ार वाला मसाला होता है गरम, उसको थोड़ा सा हमने ऐड कर दिया है, और सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिला लेंगे। तो ये जो मसाले का टेस्ट आता है ना फ्रेंड्स, जो आप पीसते हैं उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, उतना पैकेट वाले मसाले से नहीं आता है। तो देखिए सारा मसाला हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और बिल्कुल रेडी हो गया है। अब गैस पे हमने रख दिया है कढ़ाई, और इसमें ना सूरन को पहले क्या करेंगे कि अच्छी तरीके से हमें ना गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। तो कोई भी सूरन की आप सब्ज़ी बनाएं तो सूरन को अच्छी तरह से ज़रूर भूनें, तो तभी ना आपकी सब्ज़ी जो है ना टेस्टी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे देखिए सूरन को हमने डाल दिया है, अभी बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा ना हम इसको छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पर, ताकि अच्छे से नीचे से क्रिस्पी हो जाए। इस तरह ना सूरन चिपकता नहीं है, अगर आप तुरंत इसको ना फ्राई करेंगे तो कम तेल में तो चिपकने लगेगा, अगर ज़्यादा तेल में आप फ्राई करते हैं तो सूरन नहीं चिपकेगा। तो देखिए हमने थोड़ा सा ही तेल डाला था, और अच्छे तरीके से देखिए गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से ना ये फ्राई हो गया है। तो इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स कि थोड़ा सा ना हम अमचूर पाउडर या चाट मसाला खटाई की जगह पर डालेंगे। अगर आपके घर में अगर खटाई है, आम का अचार वगैरह है ना, तो आप उसको मसाले में पीस करके डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। तो मेरे पास थोड़ा सा चाट मसाला था, इसको इसमें सूरन में हमने डाल दिया है, और अच्छे तरीके से ना इसको मिक्स कर लेंगे। तो आप ना चाहें, अगर कच्चे मसाले वाली सूरन की सब्ज़ी नहीं बनाते हैं तो आप उसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी गला नहीं काटता है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हमने ना इसको 2-3 मिनट भून लिया है, तो इसको अब प्लेट में निकाल लेते हैं। अच्छे से फ्राई हो गया है सूरन, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है फ्रेंड्स। एक बार इस तरह से ज़रूर आप एक बार रेसिपी को ट्राई करें। तो यहाँ पे देखिए हमने निकाल लिया था सूरन को, और उसी में डाल दिया है तेल। इसमें डाल देंगे तेज़पत्ता, जीरा, आप मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो कच्चे मसाले हमने पीस कर रखे थे ना, तैयार हो गए हैं, इसको डाल देते हैं, और अच्छी तरीके से ढक करके इसको पकाएंगे, ताकि जो इसकी खुशबू है ना बरकरार रहे, निकले ना। तो इसी तरह से ढक ढक कर हम इसको अच्छे से ना पका लेंगे मसालों को, जब तक कि इसमें से ऑयल ना छोड़ने लगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नए हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की हर जानकारी आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो देखिए मसाला थोड़ा सा ना भून गया था, तो इसमें ना स्वाद के अनुसार हमने नमक डाल करके मसाले को वापस से अच्छी तरह से भून लिया है, और ये देखिए मसाला अच्छे से भून गया है। तो इसमें अब क्या करेंगे फ्रेंड्स कि जो हमने सूरन को भून के लिया था ना, इसको डाल देते हैं, और इसको अच्छे से फिर से वापस से भूनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो गैस का फ्लेम मीडियम इस समय हमने किया है, मीडियम फ्लेम पर ही भूनेंगे, नहीं तो ये जलने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से ना इसको भून लेते हैं, बहुत ही टेस्टी सब्जी लगती है फ्रेंड्स। और अगर आप देसी सूरन नहीं खाते हैं तो आप इस तरह से ज़रूर एक बार सब्ज़ी ट्राई करें।
अब इसमें डाल देते हैं पानी। तो आपको जितना ग्रेवी पसंद है, अगर आप ठीक पसंद करते हैं तो कम पानी डालें, सूखा बनाना है तो। तो यहाँ पे मैंने पानी डालकर अच्छे से इसको ढक करके पकाया है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से ना ये पकने लगा है मसाला, तो थोड़ी देर और इसको पका लेते हैं। तो ये देखिए हमने इसको चलाते हुए अच्छे से पका लिया है ढक करके। तो सब्जी हमारी ना बिल्कुल रेडी हो गई है। तो गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको ना सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चावल के साथ इसको सर्व कर रही हूँ, क्योंकि ये कच्चे मसाले वाले सरसों वाले सब्जी हैं सूरन की, तो चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे रोटी या पूड़ी के साथ भी खा सकते हैं।